अब स्ट्रीम मैनिपुलेटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि जब हम डेटा स्क्रीन पर लिख रहे होते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, तो उनका फॉर्मेट सेट करने में, जैसे ये कॉलम एक कितने उसके लिए एस्टेब्लिश अ प्रिंट फील्ड ऑफ नंबर स्पेसेस, मतलब जो नंबर इसमें डिस्प्ले होना है उसके लिए कितने स्पेसेस छोड़ने हैं। यूँ समझ लें जैसे एक्सेल में हम कॉलम की विड्थ सेट करते थे, फिर फिक्स डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स टू फिक्स पॉइंट नोटेशंस, शो पॉइंट काज अ डेसिमल पॉइंट टू ट्रेलिंग जीरो। अच्छा अब ये देखते हैं ये सारे कैसे काम करते हैं, लेफ्ट और राइट अलाइन। इसकी एक थोड़ी सी मिसाल आपको मैं पहले एक्सेल पे समझाता हूँ। जैसे एक्सेल पर आपने कोई डेटा शो करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, फुल नेम लिखते हैं, और उसके अंदर हमने सैलरी लिख दी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दी, सैलरी लिख दी, ठीक है। अब जब डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है सेल्स के अंदर, तो देखिए अगर आप यहाँ पे नोट करें फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ में, अगर मैं इसकी विड्थ 1 बता रहा हूँ तो देखिए इसके अंदर एक ही लेटर आ सकता है, और अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा के 10 बता रहा हूँ तो जब इसके अंदर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ तो वो ऑलवेज राइट साइड पे जा रहा है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ तो वो राइट साइड से बढ़ते जा रहे हैं, बाकी खाली रहते हैं, सही है। तो इस तरह से कॉलम की विड्थ सेट करना हो अगर हमें सी के आउटपुट में, तो कैसे करेंगे? अब देखिए उसके लिए करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ आना, एक न्यू फाइल लेनी है, सेव कर लेना पहले इसको, और वो जो बुनियादी चीजें लिखते हैं ये हमने अपना प्रोग्राम सेव कर दिया। ठीक है प्रोग्राम को रन करते हैं, रन भी हो रहा है, आ गया। अब आप इस पर डेटा दिखाना चाह रहे हैं, देखें हम इसी तरह का बनाते हैं, पहले सीरियल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सीरियल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे जब मैनिपुलेटर्स को यूज करते हैं तो मैनिपुलेटर के लिए आपको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड कराना लाजमी है, वरना उसके बगैर ये काम नहीं करेगा। आई ओ मैन आई पी कैसे, सी आउट लेस देन लेस देन। अब यहाँ पर आपने मैनिपुलेटर लिखना है, जैसे सेट डब्ल्यू, ये बताएंगे कि कितने कॉलम आप इसके लिए रिजर्व करना चाह रहे हैं। मैं बताता चलूं कि एक स्क्रीन की जो हमारी लाइन होती है, जैसे मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, इसको हटा देता हूं, ये जो पूरी एक रो है इसके अंदर 80 कॉलम होते हैं, कितने यानी कि 80 लेटर्स या नंबर्स हम एक साथ लिख सकते हैं। अब हम इसके लिए कितने यूज कर रहे हैं, सी आउट कर दिया हमने यहाँ से, लेस देन सेट डब्ल्यू स्टार्ट ब्रैकेट किया, कितने यूज कर रहे हैं, सपोज टू बी सीरियल नंबर के लिए मैं कह रहा हूँ 10 यूज कर लूँ, उसके आगे फिर स्ट्रिंग्स में सीरियल नंबर मैंने शो करवा देना है, फिर इधर स्टेटमेंट को कंप्लीट किया मैंने और इसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि एक साथ कंटिन्यू भी कर सकता हूं लेकिन मैं दो स्टेटमेंट कर रहा हूं ताकि आपको आसान लगे, और सीरियल नंबर, नेम और सैलरी और उसकी जो कुछ और हम बता लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमने लिखा उसके अंदर फुल नेम। अब फुल नेम के लिए मैंने कितने कॉलम लिए, 20 कॉलम ले लिए, ठीक है, फिर 20 और 10 30 हो गए, और फिर आगे क्या है, सैलरी, सैलरी के लिए मैंने कितने उसके लिए कॉलम्स लिए, उसके लिए मैंने 15 ले लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इसके बाद आगे ले लिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो उसके लिए मैंने कितने लेने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ से ले लिए 20 ले लिए, ठीक है, 20 40 50 60 65 65 के अंदर हमारा मामला सेट हो गया। अब रन करके देखें प्रोग्राम, देख रहे हैं आप, अगर ये कॉलम 10 का है तो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होगा, जब राइट अलाइन होगा तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
सही है। इस तरह हमने डेटा को इस पे सेट कर लिया। अब सेकंड रो पे डेटा इसके अंदर इनपुट करना है। अब डेटा जो इसके अंदर इनपुट करना है, इसको हम क्या करते हैं भाई, डेटा इसके अंदर जो इनपुट करना है, फॉर एग्जांपल वो डेटा नंबर में भी होगा और टेक्स्ट में भी होगा। तो यहाँ पे पहले हम एक ले लेते हैं सी आउट एंड लाइन, और यहाँ पे करके एंटर कर देते हैं, इसी को पेस्ट कर देते हैं। सेम कॉलम स्पेसिफिकेशन के साथ हमने पेस्ट कर दिया। अब सीरियल नंबर में हम क्या लिख रहे हैं, सपोज 001, ठीक है। फुल नेम में हम क्या लिख रहे हैं, सपोज टू बी क्या नाम है, मोहम्मद वसीम। और सैलरी में हम क्या लिख रहे हैं, सपोज 75,000। सब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या लिख रहे हैं, सपोज टू बी 1 जून 2024। और रन करते हैं, बिल्कुल देखें फिक्स आया, ठीक है। अच्छा, अब और भी मैनिपुलेटर हैं, जैसे लेफ्ट राइट मैनिपुलेटर कैसे काम कर सकता है। जैसे सीरियल नंबर तो राइट पर आ रहा है, ये भी राइट पर आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं ये जो है ये लेफ्ट पे नजर आए, ये कहां से नजर आए, लेफ्ट से। इसका लेफ्ट बनेगा यहां पे इसके बराबर में, ठीक है। तो ये लेफ्ट पे कैसे करेंगे इसको, अब मैनिपुलेटर में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको लेफ्ट पे दिखाना है ना, बाय डिफॉल्ट तो सब राइट पे दिखा रहे हैं। राइट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये हमने नाम लिखा मोहम्मद वसीम, अब इसका कॉलम है इतना बड़ा, ये नजर आ रहा है कैसे, ऐसे, और ये भी कैसे नजर आ रहा है, ऐसे, बाय डिफॉल्ट ऐसे नजर। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैनिपुलेटर से इस साइड कर दूं, ठीक है। तो ये कैसे करूंगा, ये देखें, इससे पहले एक और मैनिपुलेटर लगा दूंगा मोहम्मद वसीम से पहले, लेफ्ट। और अब जब तक इसको चलाऊंगा प्रोग्राम को, सही है, लेकिन खाली ये लेफ्ट नहीं हुआ, ये भी लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया, क्योंकि जब लेफ्ट लगाया ना तो उसने नीचे वालों को भी लेफ्ट अलाइन कर दिया। तो अब बाकी नीचे वालों को अगर राइट करना है तो क्या करेंगे, इसके बाद हम दोबारा से बाकी वालों के उधर क्या लगा देंगे, राइट मैनिपुलेटर लगा देंगे। ये भी राइट हो गया, हाँ नहीं, इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि जहां इसको लगाएंगे उसके बाद वाले सारे लेफ्ट हो जाएंगे, और जहां उसके बाद राइट वाला लगाएंगे उसके बाद वाले सारे राइट हो जाएंगे, जब तक कि हम लेफ्ट ना लगाएं, ठीक है ना, ऐसे इसका इस्तेमाल। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, कि मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पर जो है मैनिपुलेटर के बाद जो दूसरा इसके अंदर हमारे पास मैनिपुलेटर था वो था नंबर वैल्यूज को शो करने वाला। अब यहाँ पर एक वैल्यू शो कर रहे हैं 75,000। 75,000 के लिए मैंने 15 स्पेसेस लिखे हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 75,000, इस तरह से लिखा आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम एक्सेल में कभी कभार ऐसे भी करते हैं ना, कि यहाँ पे जाके हमने लिखे लिखा 75,000, तो हम इसको ऐसे कॉमा स्टाइल लगा देते, पॉइंट के बाद 2 जीरो भी आ जाते, सही। तो इसको कैसे करेंगे कि हम चाहते हैं पॉइंट के बाद इसके 2 जीरो भी दिखाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, सेट प्रीसिशन, ठीक है। अब हमें सेट प्रीसिशन लगाना है, तो हमारे कॉलम में है 15 स्पेसेस, और यहां पर हम ले रहे हैं 12, 12 नहीं 8 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब 8 का मतलब है 8 डिजिट, ये 5 तो हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ आगे जाके फिक्स्ड कर देते हैं। अब जब फिक्स लिख रहे हैं, अच्छा फिक्स लिख रहे हैं और फिक्स नहीं लिख रहे हैं, इसमें फिर क्या है, अभी तो 8 लिखा है, क्या मसला आ गया इसमें, प्रिसेशन की स्पेलिंग गलत है क्या, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई इसकी, सेट प्रीसीशन एक ऐसा आएगा, तो 75,000 वैसे का वैसा आ गया। अब ये फर्क कैसे आएगा, जैसे हम 75,000 के आगे अगर कोई पॉइंट लगा रहे हैं तो 5 तो ये हो गए, और हमने आगे 3 डिजिट का डेटा और लगाया, 6 7 8, ठीक है। अब ये डेटा कैसा दिखाएगा, पूरा दिखा रहा है,
लेकिन जैसे ही डेटा इसकी लिमिट से आगे जाएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसको और आगे लेके जाते हैं, इसके अंदर रह गया 10, आई थिंक इसको हमें यहां लगाना पड़ेगा शुरू में, इसके साथ फिक्स्ड भी लगाते हैं और फिक्स के बाद इसको 3 करते हैं। अच्छा अभी इस पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, उसकी वजह ये है कि ये स्ट्रिंग्स हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं डबल सैलरी के नाम से, और उसके अंदर की वैल्यू लिखते हैं सपोज 75,000 67854, और यहाँ पर स्ट्रिंग के बजाय वेरिएबल को आउटपुट पर डालते हैं और अब देखते हैं। तो देखो इसने कितने डिजिट लिए, 3। क्यों लिए, क्योंकि मैंने लिखा सेट प्रिसिशन, पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए, और उसके बाद क्या लिखा मैंने फिक्स्ड। तो उसने क्या किया, हालांकि पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे 4 5 6 7 8 डिजिट लिखे हैं, लेकिन क्योंकि सेट प्रिसिशन में मैंने उसको 3 पे फिक्स किया है तो ये मुझे आखिर के 3 ही दिखाएगा। और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये नहीं लिखता तो क्या दिखाएगा, तो उसकी जगह पे ये मुझे आउटपुट में 0 दिखाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे डायरेक्शन दी है ना, सेट प्रिसिशन 3, अब 3 की जगह 2 करना है मुझे इसको यहाँ पे, तो मैं यहां से क्या कर देता हूं उसको 2। अब मुझे कितने दिखाएगा ये, पॉइंट के बाद 2 0। हाँ, अगर कोई डेसिमल वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पॉइंट के बाद कोई भी रकम होगी, लेकिन उसमें से भी क्या दिखाएगा मुझे 2 दिखाएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या दिखाएगा फिर ये, 0 नहीं भी लिखूं तो भी ये पॉइंट के बाद मुझे क्या दिखाएगा, 2 0 दिखाएगा। तो इस तरह आप फॉर्मेट अपना सेट कर सकते हैं नंबर्स का, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिखा रहे होते हैं ऐसे इसमें भी दिखा सकते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार है, तो बस अब हम इसमें चेंज करते जाएंगे और डेटा को कॉपी करके नेक्स्ट प्रेस करें। अच्छा, अब ये याद रखना कि सेट प्रिसिशन और फिक्स्ड जो है वो स्पेशली इंटीजर्स पर काम करेगा, स्ट्रिंग्स पर काम नहीं करेगा। हाँ, ये जो है लेफ्ट राइट, लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया और सेट डब्ल्यू हो गया, ये स्ट्रिंग पे भी काम करेंगे और इंटीजर्स पे भी करेंगे।